न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ रीजन्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन इस रीजन पे सबसे ज्यादा मिलेगा, तो इसे उसने 1s का नाम दिया। उसके बाद उसने कहा भाई देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा मिलेगा, ये 2s है, ये 2p है, तो इसने अपनी मैथमेटिक्स करके ये वर्ड्स दिए थे। तो इसने कोई ये ऐसे आप कहो सर्कुलर पाथ ये सब कुछ नहीं कहा, इसने कहा बस एक एनर्जी लेवल होता है। और बच्चों चांस की बात ये भी डिस्टेंस वही है जो बोर की थी, बोर ने भी यही डिस्टेंस दी थी एग्जैक्ट जो स्क्रोडिंजर कह रहा है, बट द डिफरेंस इज दैट बोर ने कहा था यहाँ सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, और फिर हाइजेनबर्ग या बाकियों ने कह दिया था कि वेव नेचर है, तो भैया घूमता हुआ कैसे देख लिया आपने एंड सो एंड सो। तो इसने ये पंगा ही नहीं लिया इलेक्ट्रॉन को घुमाने का, घूम रहा कहां घूम रहा तो छोड़ो, लेकिन सबसे ज्यादा यहां मिलेगा, यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो उसने कहा जैसे आजकल दिखाया जाता है ना, आपने कई डायग्राम देखे हो, ऐसे करके एटम दिखा दिए जाते ऐसे करके, दैट इज वो थ्री डायमेंशन दिखाना चाहते। ये न्यूक्लियस एक ऐसे दिखा दिया, एक ऐसे, इट इज थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब पॉइंट क्या आया है, ठीक है, ओके बोलो बच्चों क्या कह रहे हो, चलिए ठीक है अभी मैं आपको देखता हूं। ठीक, तो अब आपको जो समझना है उस पे आइए बेटा। अब आज की तारीख में जो चीज चल रही है उसमें ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हम इन जनरल कहते थे ना शेल्स, उसको शेल्स कह लें, मेन एनर्जी लेवल कह लें, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, मेन एनर्जी लेवल, जो पहले शेल नंबर चलता था, या इसे क्वांटम नंबर की भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर कोई एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मैक्सिमम होती है, जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलता है, उसे उन्होंने कहा शेल। ठीक, ये शेल पहले चलता था, सॉरी, उसे उन्होंने कहा मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक है, फॉलोड बाय दूसरे पॉइंट पे आए, ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो शेल होती है ना, इसके अंदर भी कुछ सब यूनिट होती हैं जिन्हें सब शेल्स कहते हैं। ठीक, शेल्स किससे मिलके बनी है, सब शेल्स। एक सिंपल सी बात है, जैसे आप क्लास फिफ्थ में थे तो शायद आपको बताया हो एटम होता है, 7th, 8th, 9th तक आए तो पता चला भाई न्यूक्लियस भी है, बाहर ऑर्बिट्स हैं जिन्हें शेल्स कहते हैं, 10th में पता चला। अब ये पढ़ना है 11th लेवल में कि भाई शेल जो है ना उसके अंदर भी सब यूनिट्स हैं, शेल भी किसी चीज से मिलके बनी है, और फिलहाल चार सब शेल नाम याद करने हैं, एस पी डी और एफ, चार सब शेल होती हैं एस पी डी एफ। भले ये चीज फेल हो गई हो या क्या है उससे अभी आपको मतलब नहीं, अभी बेसिक क्या है, चार सब शेल्स होती हैं एस पी डी एफ, मतलब सरल भाषा ये हमारी शेल थी, तो ये पूरी शेल एक नहीं है, ये रेलगाड़ी है, इसके छोटे छोटे डिब्बे भी हैं, और ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उनका किसी का नाम एस है, किसी का पी है, किसी का डी है, किसी का एफ भी हो सकता है, मतलब चार सब शेल हो सकती हैं। ठीक है, एक शेल के अंदर चार, और ये अभी जब क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा तो जी सब शेल भी होती है और आगे भी होती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास सिर्फ 120 एटॉमिक नंबर तक के काम है, वो इतने में से निपट जाता है, इसलिए आगे नहीं पढ़ते। तीसरा पॉइंट, ये जो सब शेल होती है ना, अरे भाई इसके अंदर भी सब यूनिट्स हैं, सब शेल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये किससे मिलके बनी है, ऑर्बिटल्स। तो जो सब शेल्स हैं उनके अंदर भी कोई छोटी यूनिट है, जैसे ये P सबशेल को मैंने अगर ये ड्रॉ किया तो P सबशेल में 1, 2, 3 ऑर्बिटल हैं, ऐसे D में 5 हैं एंड सो अभी बताऊंगा। फिलहाल शेल, शेल न्यूक्लियस के चारों ओर वो जो सर्कुलर पाथ बोर कह रहा था ऑलमोस्ट वही अभी भी है, मेन एनर्जी लेवल है वो शेल है, केमिस्ट्री उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेगी। फिर सब शेल, किस शेल में कितनी सब शेल है ये स्क्रोडिंजर ने निकाला है, अभी हम देख लेंगे, अभी बस ये बताना है कि होती कितने तरह की सब शेल है।
तो भैया सबशेल एस पी डी एफ जी आगे भी हो सकती हैं, लेकिन आपका इतनों से काम चल जाएगा। सबशेल के अंदर भी क्या कुछ है? हाँ भाई, सबशेल भी जिस चीज से मिलके बनी है उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल, ठीक है। और ये सबशेल के नीचे क्या आ गए? ऑर्बिटल, ठीक। ऑब्वियसली ब्लॉक जो आप कह रहे हैं ना, एस ब्लॉक ई ब्लॉक, वो पीरियोडिक टेबल में वर्ड यूज किया जाता है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली ये पीरियोडिक टेबल है तो ये ब्लॉक कहलाएगा ना, बिल्डिंग के हिसाब से वर्ड आ गया ब्लॉक। और अभी हम जनरल भाषा कहें तो सबशेल है, ठीक है। और ऑर्बिटल्स क्या है? सबशेल जिनसे मिलके बनी है वो ऑर्बिटल है। और ये तीन चीजें ना एक्चुअली स्क्रोडिंजर ने बताई थी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। तो स्क्रोडिंजर ने ये तीन चीजें हमें बताई हैं, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो ऑर्बिटल हैं, इनके अंदर भी दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ईच ऑर्बिटल हैज टू इलेक्ट्रॉन, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। और ये सारी चीजें क्वांटम नंबर से प्रूफ हो जाएंगी, एक्सेप्ट दिस, ये स्क्रोडिंजर ने नहीं बताया था, बाकी सब स्क्रोडिंजर ने बताया है। ये ऑर्बिटेरी है, वो देखेंगे कैसे आया है। दिस वन ना रिपीट इट, शेल किससे मिलके बनी? सबशेल से। सबशेल किसका ग्रुप है? ऑर्बिटल्स का। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टू। बस इतनी बात दिमाग में आनी चाहिए। शेल किससे मिलके बनी? सबशेल से। सबशेल किससे मिलके बने? ऑर्बिटल से। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टू। ठीक बेटा, जो एस नाम की सबशेल है सर, एसपी, बोलो बोलो सर, ये एसपीडीजी वाला जो सर, ये कहां पर लास्ट टर्म इसकी क्या आती है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? एसपीडी सर, आपने बोला ना एसपीडी एफजी ये सो ऑन होता है, तो सर इसका एंडिंग क्या होती है? कोई एंडिंग नहीं है, नो एंडिंग। जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे हो यार, मतलब आज कोई काम नहीं था सुबह से? बोले तुम्हीं से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे हम। अबे भाई, हमारा काम एस तक चल रहा है, एस पी डी एस, उसके बाद आगे चलते जाइए, सबशेल्स बनती जाएंगी, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? तेरे पास एटॉम जो है 120 तक, एटॉमिक नंबर तक हमारे पास है, 120 मैक्सिमम, 121 22 कर लो, तो 90 के बाद सब अनस्टेबल है, तो कॉन्फ्यूग्रेशन ही नहीं है। जब कॉन्फ्यूग्रेशन नहीं है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, एंडिंग इनफाइनाइट पे होती है। अब ये जो एस सबशेल है बेटा, एस सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? दो, ठीक। ये प्रूफ कहां से है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे तो आपको ये प्रूफ करके दिखा देंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात करना, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी सबशेल की मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट हैज वन ऑर्बिटल, तो इसमें एक ऑर्बिटल है। शायद समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आया तो एक सेकेंड रुको, अगले बार में आएगा बेटा। अगली सबशेल का नाम है पी सबशेल। ये जो पी सबशेल होती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है कैपेसिटी? क्योंकि बेटा इसके अंदर ना तीन ऑर्बिटल होते हैं। अब आपके दिमाग में शायद चला हो कि मैंने अभी लास्ट में कहा था हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, तो ये ऑर्बिटल डब्बा रिप्रेजेंट करता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर तीन ऑर्बिटल लिखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं या तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे ही बच्चों, अभी तो मैं आपसे सिर्फ एक तरीके से कह रहा हूं रटना रेक्टिफिकेशन, कि डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा अब आप शायद समझ गए हो, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और ऐसे ही बेटा अगर एस सबशेल की बात हम करेंगे, तो एस सबशेल में टोटल
14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 7 ऑर्बिटल, यानी इसके आगे अगर चलेंगे तो यही पैटर्न बढ़ाते जाएंगे। जैसे बुक में क्वेश्चन है जी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने ऑर्बिटल, पैटर्न यही बढ़ाते जाओ 1, 3, 5, 7, 9, 2, 6, 10, 14, 18, यही पैटर्न बढ़ाते जाइए। लेकिन जी के आगे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, और जी वाला क्वेश्चन इसलिए टीचर ज्यादा पूछ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, ठीक है। तो ये एसपीडीएफ 4 सबशेल हैं, और हर सबशेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक। पूछो, कोई बच्चा पूछ रहा, पूछो पूछो, नहीं पूछ रहा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, बेटा ये बताया गया कि ये जो हमारी फर्स्ट शेल है, सबसे पहली शेल है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक सबशेल होती है S। फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सबशेल S, पहले में और कोई सबशेल है ही नहीं, ठीक है। को रिलेट करो किससे, जो तुमने टेंथ में पढ़ा है उससे। टेंथ में क्या तुमने ये पढ़ा है कि K शेल पहले थी, फिर L थी, फिर M थी, एंड सो ऑन। आपने क्या उसमें ये पढ़ा है कि K में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, L में 8 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ये पढ़ा है ना। अब जरा से कोरिलेट करो, K शेल जिसे पहली शेल कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, कॉमन सेंस लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसका कॉमन सेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक सबशेल है, कौन सी एक सबशेल है, S है। क्यों, अगर P होता तो 6 आ गए होते, D होता तो 10 आ गए होते, लेकिन हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लाने हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो S सबशेल है यहाँ। तो बेटा केमिस्ट्री में से फर्स्ट शेल ऐसे लिखा जाता है कि ये नंबर शेल नंबर बताएगा या मेन एनर्जी लेवल बताएगा, और ये सब एनर्जी लेवल या सबशेल बताएगा। तो फर्स्ट में सिर्फ S होता है और कोई नहीं होता। सेकेंड सबशेल जब आएगी तो सेकेंड सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 8, तो ये मत कहना कि S वाले 4 बार ही आ गए। भैया एक शेल के अंदर सबशेल एक ही बार आती है, तो यहां 2S होगा और 2P होगा, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल में S सबशेल होगी और सेकेंड एनर्जी लेवल में P सबशेल होगी, ठीक है। तो सेकेंड सब जो शेल होती है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा है कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप, तो 10 तक के कॉन्फ़िगरेशन में 28 लिखते हैं, 11 के कॉन्फ़िगरेशन में 29 नहीं लिखते, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा नहीं आते। आई होप सो ये पढ़ा है, और इसका प्रूफ है, प्रूफ है थोड़ा सा ना, प्रूफ श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है, तो वो कोई तो पढ़ाएगा नहीं प्रूफ या बताएगा ही नहीं, तो उसको पहले सिंप्लीफाइड करके देख लेते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे शायद समझ में हमें आ जाए। नेक्स्ट, ये सेकेंड शेल थी, इसको ऐसे लिखेंगे, सेकेंड में पहले S आएगा फिर P आएगा, ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। 1 का S होता है, फिर 2 का S, फिर 2P। मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा समझते चलिए बेटा, जैसे अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया एटॉमिक नंबर 5 का, तो शायद आपने एटॉमिक नंबर 5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा 2 और 3। अब 11th स्टैंडर्ड में इसी 5 का कॉन्फ़िगरेशन जब आपको लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे 1s2, यानी फर्स्ट शेल के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, और इसके सेकेंड शेल के S में भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और फिर 2p1। मतलब पहले 2 इसमें आए, फिर 2 इसमें आए, फिर 1 इसमें आया, 5 ऐसे दिखाएंगे, ना कि 2, 3। ये अब कॉन्फ़िगरेशन का तरीका धीरे धीरे बदलना है आपको। ऐसे ही मान लीजिए 11 या अभी 9 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो लास्ट ईयर तक आप शायद 9 को ये लिखते आए हैं 2, 7। अब बेटा अगर आपको 9 लिखना है तो 1s, अच्छा s में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो यहाँ 2 पे रुक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 2x यहाँ कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, और 2p अब कितने बचे, 2 और 2, 4 ये हो गए, 4 के बाद कितने बचे, 5, क्योंकि 9 तक जाना है ना,
तो दो और दो चार, ये हो गए, और बेटा अगर पांच बचे हैं तो पांच वो भी लिख दीजिए, इसलिए नाइन आ गया, 1s2 2s2 2p5, ये नाइन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो अब आपको क्या याद करना है, एक सीरीज याद करनी है। अभी ये याद करना है कि सबसे पहले 1s आता है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और ज्यादा नहीं, हाँ 1 भी कभी कभार रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 हमने छोड़ा था तो वो आखिरी है तो 1 छोड़ सकते हैं। 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर बेटा 3s आता है, फिर 3p, ठीक है। तो ये 1s आया, 2s आया, 2p, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते आए। और फिर से देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में 288 का पढ़ा है, शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में 19 का अगर पढ़ा है तो इसको आप फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते थे, इसमें नहीं। तो इसके बाद 4s भरा जाता है, और बेटा 4s भरने के बाद आप भरते हैं 3d, 4s भरने के बाद आप भरते हैं 3d। तो ये एक सीरीज आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, आप इसको सही से याद करें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, एटलीस्ट 10 बारी इसे प्रोनंसिएट करके देख लीजिए, और एक दो इसमें छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं वो ना हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। गलतियां शुरू कहां से होती हैं बच्चों से, पहली सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, पता नहीं क्यों राइम में शुरू हो जाते हैं, 1s 2s 3s, अरे भैया 1s है, फिर 2s है, फिर 3s नहीं, 2s के बाद 2p है, फिर 3s, वो 2p गायब कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। कई और महान बच्चे होते हैं, कहते हैं कौन ज्यादा पंगे में पड़े, वो जैसे उनसे कहा ना एटॉमिक नंबर 10 लिख के दिखाओ, तो वो कहे 1s 2 2s 8, बोले हो गए 10, 8 और 2 10। तो फिर उन बच्चों को यही कहना पड़ता है बेटा क्यों इतनी मेहनत की, इसमें भी क्यों भरे, यही भर देते सीधा 1s 10, 2s में भी क्यों गए तुम, है ना। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन s में कभी 2 से ज्यादा नहीं भरने, और ये आप गलतियां करोगे इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये गलतियां कम से कम हो जाएं तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। फिर देखिए ये मैं चाह रहा हूं आप ऑर्डर याद करें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अभी ये याद करें, कोई नाटक नहीं कि ये एरो करेंगे, ये एरो करके अब बहु याद करेंगे, भैया वो भी कराऊंगा एरो वेरो, लेकिन अभी आप ये ऑर्डर याद करें, ये एटॉमिक नंबर 30 तक काम करेगा बेटा, यहां से यहां तक टोटल एटॉमिक नंबर 10 का काम है, यहां से यहां तक फिर 10 है, और यहां से यहां तक फिर 10 है, तो एटॉमिक नंबर 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने से आप लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने अगर आपसे कहा एटॉमिक नंबर सपोज 15 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 15, तो 10th स्टैंडर्ड में तो आपने ये लिख दिया 285, ये आपकी आदत पड़ गई, आपको याद हो गया है, 285 आप डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में 15 कैसे लिखना है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं जो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। 2p में 6, उसके बाद 3s, 3s में 2, ये कितने हुए भैया 10 और 2 12, ये 2 आए 12, और अभी कितने बचे हैं 3, ठीक है 3 बचे हैं ना, तो 3 यहाँ भरे जाएंगे, तो ये 15 का कॉन्फ़िगरेशन है। और जिनको भी मैंने अभी सर्किल किया है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ये ऐड करके 15 आने चाहिए, तो ये 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 3 15, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं जब मैं उनसे कहता हूँ ना 15 लिखो, तो या तो वो ये ऑर्डर जंबल कर देते हैं, पता नहीं क्यों वो कभी कभार 2p के बाद सीधा 3p लिख देते हैं, तो ये ऑर्डर की फंबलिंग सबसे ज्यादा पाई गई है, मिस्टेक होना कि ऑर्डर उनका फंबल्ड होता है। दूसरी मिस्टेक पाई गई है कि वो एस में याद नहीं रख पाते कि 2 के आगे नहीं जाना, बढ़ देते हैं, पी में 6 से ज्यादा नहीं भरने, वो यहीं पे पी में 8 भरना शुरू कर देते हैं, क्यों 8 भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि
टेंथ स्टैंडर्ड में 2-8 ऐसे भरा होता है, इसलिए तो ये गलतियां ना हो तो बेहतर है, ये फंबलिंग आपसे ना हो तो अच्छा है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 के टर्म्स में अप टू 30 तक आपको कराएंगे। 30 तक में दो एक्सेप्शन है, एक है 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम और एक है 29 एटॉमिक नंबर कॉपर। 30 तक ये दो एक्सेप्शन है, मतलब वो इस रूल से नहीं होंगे, बाकी सब इसी रूल से होंगे, और ये मान के चलिए ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ये एक्सेप्शन जरूर पूछे जाएंगे, इनका रीजन पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाने के साथ पढ़ाऊंगा। फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? क्लियर है, वन टाइप करो, नहीं क्लियर है टू टाइप करो, जिससे भी देख रहे हैं। पास, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी नाइस। अब बेटा मैं आपको ना पहले 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप देखिए, मैं उसके आंसर भी लिखूंगा, तो ऑब्वियसली आप चेक खुद ही करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन सिंसियरली करना। एटॉमिक नंबर 9, 11, 13, 19 एंड 21, इन पांच का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, और ऑब्वियसली पांचों लिखें, फिर हम एक एक डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अभी मुझे 9 लिख के रोक दें, ठीक है, तो और ऑब्वियसली बच्चे आपको 1s 2s के टर्म्स में ही बताना है, तो 1s 2s भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, करिए। बोलो बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है, पूछो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, मैं पहले का आंसर बता दे रहा हूं, क्योंकि तीन बच्चों का आंसर अभी तक आ चुका है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक था बेटा आपका आंसर, ठीक है, दो तीन बच्चों ने भेजा है 1s2 2s2 2p5, ऑब्वियसली आप यहाँ पे इतना टाइप कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, 1s के पावर की जगह वैसे 2 लिख रहे हैं, वेरी गुड, 1s2 2s2 2p5 पहला आंसर था। वेरी गुड, नहीं बेटा अब देखो विजय बेटा, आपने 11 का गलत कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आप 9 को दोबारा लिख गए हो, लेकिन श्रेया बेटा आपने बिल्कुल सही किया है, वेरी नाइस, 1s2 2s2, वो गलती से एक 2 और टाइप कर दिया मैंने, नहीं नहीं आपने 2p5 पे रोक दी है कहानी, ये ये देखो निखिल यादव, बेटा निखिल, देखिए मैंने जो कहा था ना, ये निखिल ने वो बात करके दिखाई है, निखिल ने कहा है 1s2 2s2 2p6 3s3 कर देंगे हम, अब बिहार के लालू हैं हम, क्यों ना कर सकत, 3s3 होता है भाई, यहाँ कहा आना चाहिए, जहां आना चाहिए 3s2 और 3p1, भैया निकलवा सही करवा, नहीं तो बहुत पिटवा, ठीक है, तो यहाँ 3s2 3p1 आएगा, गुड। मैंने आपसे कहा था ये गलतियां मत करना, या तो आप ऑर्डर फंबल करते हो, या एस में पता नहीं किस खुशी में 3 भरने की इच्छा होती है, वेरी गुड, सही है बेटा श्रेया, हाँ भैया 19वां वर्धन बिल्कुल सही, विजय बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों जने
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 बा, ये भी सही बा। देखा हो गई ना, हो गई गलती तुमसे बा। अब देखो 21 में अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं जो विजय ने की है अभी। ये का गलती कर बैठे, अभी कहेंगे हम गलती से गलती कर बैठे। अब गलती तो गलती से ही होए, सर वो डी रही है मुझके थोड़ी थोड़ी होए। तुमने लिखा 4p बा और हमने तुमको पहले ही कहा था कि इसमें गलतियां होती हैं कि हम ऑर्डर फंबल करने लगते हैं, 1s2s3s लिखने लगते हैं या 3s2 3p6 4s2 4p लिख देते हैं, जो ना हो तो बेहतर है। तो ये गलतियां ना करिएगा। इन पांच में कोई दिक्कत है तो पूछिए, पूछने का ना, कोई दिक्कत है तो पूछिए। हाँ बिल्कुल सही, नहीं दिक्कत है तो 1 लिखिए, और कोई दिक्कत है तो पूछिए। वेरी गुड बा। तो अब ये सब बच्चा लोग कह रहा हमको ये पांच तो आएगा, हम अगला पांच कराएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 20। अगला पांचवा देखते हैं कैसा कर। पांच और लिख दिए हमने जल्दी से जल्दी से जल्दी से। माइक बंद करवा, काउंट भाई माइक ऑन करके बैठा है। वेरी गुड वेरी गुड बदन श्रेया बिल्कुल सही। अब हम माइक ना बंद करोगे कौन है, से पहले बाहर करेंगे तभी बंद करेगा। ओम निखिलवा, बिल्कुल ठीक, गुड, अब सही चल रहे हो। जे 5 है 1s2 2s2 2p1। अरे लाइट बा गया, अरे जे गड़बड़ हुई गा बा, लाइट बा कम करे वो। बच्चों लाइट बा गावा इसलिए थोड़ा। हाँ ए जे कौन है, विजय भसीन बा, जे काहे का लिखा तुमने 12 12 कहा ही है, 1s2 2s2। हाँ तो जे क्या अगले दिन भेजो। अरे वो गलती से फिर सेंड हो गया। गलती तो बहुत करत हो तुम, का बात इतनी गलती काहे करत हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही कर लिए सारे। कोई डाउट फिर से बताइए बेटा, डाउट है तो 1 टाइप करिए, नहीं डाउट है तो 2 डाउट टाइप करिए, सॉरी उल्टा बोल गया, डाउट नहीं है तो 1 टाइप करिए, अगर आपको समझ में आ गया तो 1 टाइप करेंगे। यस समझ में आ गया मतलब। अब 24 और 29 एक्सेप्शन हैं। हाँ ये इससे पहले 24 किसी ने लिख दिया, गलत था भैया, 3D4 अगर आपने लिखा है तो गलत है, 24 और 29 एक्सेप्शंस हैं। तो मैं आपको अभी तो यही कहूंगा 24 और 29 को रट लीजिए, और कल से जब मैं पढ़ाऊंगा दैट इज
24-29 का डिटेल कह लो, या यू कैन से हमें जो पढ़ाना है इसमें क्वांटम नंबर्स, तो वहां प्रूफ कर दूंगा कि एक्सेप्शन क्यों आया, और ये पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब पता सब है, ये पूरी जानकारी लेके बैठे हैं भाई, ठीक है। तो 24 में 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 24 में होना चाहिए यहाँ 4s2, 3d4, होना चाहिए ये, लेकिन एक्सेप्शन है तो कुछ अलग है, एक्सेप्शन है तो कुछ तो अलग है, तो अलग क्या है एक्चुअली, जो होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे 4s में 1 है, 3d में 5 है, ठीक है, 24 में 4s में 1 है, 3d में 5 है, ऐसे ही 29 में भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में 1 है और 3d में 10 है। पहले तो ये रटिए और इसका कंसेप्ट कल समझिएगा, ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में ही ये है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ टीचर कह देते ना पहले 4s2, 3d4 लिखो, एक जंप करा दो, भैया कोई जंपिंग नहीं होती, ये नेचर में ऐसे ही होते हैं जिसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब भी कोई चीज जंप करके जाती है तो उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में ही है, देयर इज नो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये 24 और 29 दो ही हैं अभी 30 तक, ठीक है, और इसके एनसीईआरटी में बेसिकली दो रीजन दे रखे हैं कि ये ऐसा क्यों ज्यादा स्टेबल है, एक तो एक्सचेंज एनर्जी थ्योरी दे रखी है, एक सिमेट्री है, तो एग्जाम में जब आप दो वर्ड लिख के आ जाते हैं ना, एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री, टीचर कह देता है बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, बड़ी नॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी, एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री। अब चैप्टर में हम आ गए हैं ऑर्बिटल की शेप, अरे भैया स्टेबिलिटी के दो रीजन, अब जी हमने कहा है कि ज्यादा स्टेबल है तो स्टेबल तो है ही, अब वो पूछेगा क्यों स्टेबल है, तो उस स्टेबिलिटी के दो रीजन है, उस स्टेबिलिटी के दो रीजन क्या है, एक हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कहलाता है और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी कहलाता है, स्टेबिलिटी का रीजन, ठीक है। चलो बच्चों आज इतना रखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम, गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, सर अभी नेक्स्ट बैच लगेगा ना, 5:15